आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 9 दिन 41 मजदूर और कमजोर पड़ता रेस्क्यू, मगर हौसला है बरकरार। 12 नवंबर से सिलकारा टनल में फंसे मजदूरों को आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। फिलहाल भीतर मजदूर सुरक्षित हैं, मगर बाहर उनके परिजनों और देशवासियों की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 9 दिन बाद भी रेस्क्यू में सफलता नहीं मिल पाई है। इस बीच 50 घंटे से बंद पड़ा रेस्क्यू फिर शुरू किया गया है। रेस्क्यू में जुटी टीमें 5 अलग अलग प्लान पर काम कर रही है और इस पर लगातार चर्चा चल रही है। इस बात पर भी विचार चल रहा है कि टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए, मगर जो पहला प्लान टनल के भीतर ऑगर मशीन से ड्रिल करने का है वो ही सबसे पुख्ता माना जा रहा है, क्योंकि ये ऑगर मशीन मजदूरों से महज 40 मीटर की दूरी पर है। अगर कहीं और से सुरंग बनाई जाती है तो 80 से 150 मीटर की खुदाई करनी होगी। बताया जा रहा है कि आज पुणे और हॉलैंड से वर्टिकल ड्रिलिंग मशीनें आ रही हैं, जिससे रेस्क्यू कार्य में तेजी आएगी। साथ ही सिलकारा टनल की ओर से ऑगर मशीन की रुकावट बनी भारी चट्टानों को भी तोड़ा जा रहा है। इसके लिए मशीन को मलबे से बचाने के लिए कंक्रीट ब्लॉक कवर किए जा रहे हैं। इस बीच टनल में फंसे मजदूरों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। मजदूर भूख महसूस कर रहे हैं, क्योंकि खाने के नाम पर केवल ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी सीमित मात्रा में। दुआओं का दौर जारी है। हर कोई चाहता है कि बस किसी तरह से मजदूर सकुशल बाहर निकल आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।